मंदिर जीवा बाहाना रे स्वामी को मंदिर डाकी प्रेमिक सह चंपट मारिला स्त्री। तबे राजधानी रे एभली घटना एवं चर्चार विषय पलटि। गत 12 तारीख में भरतपुर अंचल बलराम साहू पिपिली अंचल जन युवती विवाह करते चौथे राती दिन विलंबित राति रे युवती जनक निज बॉयफ्रेंड सह वीडियो कॉल जरिया रे कथा होता देखिथिले बलराम। यहा परे उभयक भितरे कथा कटाकटी होइथिला। परदिन मंदिर जिबाको कही सुना गहना एवं 1.5 लाख टंका सह युवती पळाइपा सह प्रेमिकक संपर्कक द्वारा बलराम को माड मारिथिले। एने भरतपुर थाना रे अभियोग करिसेंती बलराम। ए बाबद अधिक सूचना पाई हम सहित सुशांत साहू हम रिपोर्टर जोड़े रहते। सुशांत पूरा ये घटनाक्रम कौन रही टी कहत तो निश्चिंत भावे माधुरी आपण जहाँ कहते चौठ परदिन शाशुघर टंका एवं सुना लुटी माने बहु फेरार हो सहित बोहूर जी स्वामी रही गोटे स्थान को डाकी प्रेमिक एवं संपर्क द्वारा माड़ मारी अभोग कैमेरा पर्सन को अनुरोध करी सीधा सड़क दृश्य देखेबे। ये जो घटनाटी घटी राजधानी भुवनेश्वर भरतपुर थाना अंतर्गत गोटे स्थान घटी सहित आप देखिपुंट पद्मचरण साहू पर अच्छा पु बलराम साहू जहाँ आम शुणुलु जे तरबरिया भाव पिपिली अंचल जन युवती को से बहुत करते मात्र बहुत पर जाणी को पाइले युवती जनकर प्रेमिकों सहित संपर्क रोचे यापर यह बचसा होता तेज आम सहित जोड़ी होती बलराम साहू आम सह संपर्क में अधिक आलोचना करवा। आज्ञा बलराम बाबू कौन कहे आप किसम पूर्व जहाँ आप सहित आम कथा जानलु तरबरिया भाव मात्र 5 दिन में बहुत स्थिर होता केबे कौन आप कौन देखिले जहाँफल संदेह कले आप स्त्री को जे आप स्त्री जी पूर्वतन प्रेमिकों सहित एवं भी संपर्क रही आज्ञा जो दिन बाहर से दिन राति मैंने पूरा धीरु पोशाक खोली देकी वीडियो पूरा मानने वीडियो रे टोटल दीजा को देखो देछि तापरे मानने मो निद आज्ञा भांगी गला अधराती रे मो निद भांगिला भांगिला परे मु देखुछि मु देखिली तापरे मु कहली अरे मो स्त्री नांथिले आज्ञा नंदिनी मु कहली नंदिनी ये कौन तमे धीरु पोशाक खोली एम वीडियो कौन करछ तापरे से झी मत कहला कहला हो मोर भूल गला आउ एमित भूल करबिनि मु जानि दिली दि कर देली तापरे मु सांगे सांगे कहली मु कहली अरे नंदिनी एटा तमे तो काली बाहा हेतिले मते आज कौन गोटे एमती गोटे फोन रे वीडियो वीडियो ये कौन नंदिनी तापरे से झी कहला छाड़ ये कथा मोर भूल गला मु आउ केबे करबिनि तापर मुझे जेहेतु बाहरी से झीव को झीव को जेहेतु बाहरी तापर मोर भी अपमान हम से जगह मुझे कह ठीक अच्छे आमती करें कहीं तुमको भी अग्नि अग्नि साखी रखी बाहरी तुम्हें एमती कला मैंने मोर भी अपमान हम तुमर भी अपमान हम से जगह आमती नंदिनी आगे करें आम दिज जाक कथु आँच 10 मिनट तापर शुपलु शु जमीपर सकाला सकाल आज्ञा मत मो स्त्री कहला मु तुम पर मानसिक करी जो दिन बाहा हेबी ता बासी दिन मु मानसिक करी मंदिर को जीवापी मंदिर रे पूजा करने मु मानसिक करी तापर मु कहल ठीक अच्छे अभी कह मु बाइक काली आज्ञा बाइक आड़ी मु बाहर बाहर मंदिर को मु प्रथम नी मंदिर जेहेतु मो स्त्री कही से जगह मु बाहर इस्केल मंदिर को फास्टे बाहर इस्केल मंदिर को जमी बाहर इस्केल मंदिर रे से झील मत कह ना मुझे ना मानसिक करसिक करज मंदिर तापर आज्ञा मुली मो स्त्री की निंगराज मंदिर नहीं गली निंगराज मंदिर जमी नहीं गली माने से झी कहला रुह 5 मिनट ये भल जगह ठिया हाँ ठिया बोली कहला मु देखा पाइली आज्ञा तार फैमिलीर माने नाली नाली गोटे गाड़ी लगे को गाड़ी मुझे भले देखनी नाली गाड़ी लगे 200 कि 300 किलोमीटर माने 200 कि 300 मीटर 200 कि 300 मीटर तर गोटे गाड़ी लगे ठियाई ठिया देती मुझे अरे नंदिनी तुम तो घर लोक ये कौन ठिया
ତୁମେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛ ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିନି। ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁମେ ପୂଜା କରିବ ନା କ'ଣ ପୂଜା କରିବ ନା କ'ଣ ବୋଲି ମୁଁ ପଚାରିଲି। ପଚାରିଲାକୁ ମୋତେ ସେ ଝିଅ କହିଲା, ଗୋଟେ କାମ କର, ଆମେ ଆମ ଘର ଡିଜାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି, ତୁମେ ଆମ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯେ ସେଇଟା ହେଲା ରଥଖଳା ଇଂରାଜ ଆଜ୍ଞା ରଥଖଳା ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଥିଲେ ମାନେ ମୋତେ ଯିଏ ଏଇ ଯେ ଶାଶୁ ବୋଲି ଯିଏ କହିଥିଲେ ସିଏ ଥିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ବାକି ଭିଣେଇ ମାନେ ସେ ଝିଅର ସଡ଼ୁ ସେ ଝିଅର ସଡ଼ୁ ତାପରେ ହଁ ମୋର ସଡ଼ୁ ମୋର ମୋର ସଡ଼ୁ ତାପରେ ଆଉ ସେ ଦିଦି ଆଉ ଏମିତି ତାଙ୍କର ମାନେ ସାତ ଜଣ ପାଖାପାଖି ତାଙ୍କର ଥିଲେ, ସାତ ଜଣ ପାଖାପାଖି ଥିଲେ। ତାପରେ ମୋତେ ସେ ଝିଅ କହିଲା ଗୋଟେ କାମ କର, ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇକି ବସ। ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ତମ ଗାଡ଼ିରେ ମୁଁ କାହିଁକି ବସିବି, ଚାଲ ଆମ ଘରଟିକି ଯିବାରି। ମୁଁ ସେ ଝିଅ କହିଲି, ନନ୍ଦିନୀ ଚାଲ ଘରଟିକି ପଳେଇବା। ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯାହାକି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ବଳରାମ ସାହୁ। ସେ କହିବା କଥା ଯେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏକ ପ୍ରକାର ଚତୁର୍ଥୀ ପରଦିନ ପ୍ଲାନିଂ କରି ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାକୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯାହା ସୁନା ଗହଣା ଘରୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ଟଙ୍କା କିଛି ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇଥିବାର ସେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭରତପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଭରତପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ପରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତାପରେ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଶାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ।